गुड मॉर्निंग बच्चों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, एक क्वेश्चन हमने पूछा था, उसका दो बच्चों ने, केवल दो बच्चों ने कमेंट किया है, बाकी तो सो रहे हैं। और उन दो बच्चों का नाम भी मैं लेना चाहूंगा, एक तो अजय शर्मा और एक आस्था खंडेलवाल। ठीक है, इन दोनों ने कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करी, तो अब देखते हैं किनका सही आता है। क्वेश्चन जो पूछा जाए उसको आप आंसर दें। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कल कि हमारे पास ये कोई वर्गाकार सतह है, ठीक है, और ये कितनी लंबाई का है, L मीटर का। तो हमारे पास ये कोई वर्गाकार सतह है, इसकी भुजा कितनी है, L मीटर की भुजा है, और इसके तल में, मतलब जिस तल में ये वर्ग रखा हुआ है उसी तल में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। उसी तल में क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वर्ग पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र दोनों समान तल में, दोनों कैसे हैं, समान तल में। क्लियर? अब हमें पता है फ्लक्स क्या होता है। आप कहोगे सर फ्लक्स होता है फाइ इज इक्वल टू बल समाकलन ई डॉट डीएस, ये तो होता है ई डॉट डीएस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है। यहां से आप क्षेत्रफल के बारे में सोच सकते हो कि भाई सतह है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आपको पता है बच्चों फाइ इज इक्वल टू ई डॉट डीएस का मतलब क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच में कौन होगा, वेक्टर ई और डीएस वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण। लेकिन हमें पता है कि दोनों तल में है। अब ये जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होता है, तल के लंबवत। डीएस कैसा होता है, तल के लंबवत, और ई क्वेश्चन में दिया हुआ है तल में है। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र तल में है और डीएस होता है तल के लंबवत, यानी इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहां से फ्लक्स यानी फाइ इज इक्वल टू बन समाकलन ई डी एस कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो आंसर क्या होगा, जीरो, यानी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्लियर है? तो जिन बच्चों ने जीरो सोचा है उनका आंसर सही है। मोस्टली बच्चे EL स्क्वायर सोच रहे होंगे, तो वो नहीं होगा। वो कब होता कि जब दोनों समान तल में होते हैं। कौन समान तल में, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, यानी ये विद्युत क्षेत्र इसके तल के कैसा होता, लंबवत होता, तो हमारा आंसर क्या होता, EL स्क्वायर। इन दोनों समान तल में तो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके तल के लंबवत, और थीटा कितना हो गया, 90, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? तो ये बात आप समझ चुके हो। तो जो दिन जो दो बच्चों ने कमेंट करा है, अजय शर्मा और आस्था खंडेलवाल, तो आस्था का ठीक है, तो अजय शर्मा अभी और मेहनत करें। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी आपका देखो सेकेंड चैप्टर भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे ही चैप्टर चलते रहेंगे आपके। पढ़ना जरूरी है, जो भी आपको पढ़ा दिया जाए, जिस भी वीडियोस में जो भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए वो आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। बुक भी देखनी है, उसे क्वेश्चंस भी करने हैं, और कमेंट में पूछना भी है। ठीक है बच्चों, टाइम आपके हाथ में, आप चाहे इसे पूरा वेस्ट कर दो, चाहे इसको आप पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि पढ़ाई का टाइम आपका शुरू हो चुका है, 12th क्लास वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, आवेशित चालक सतह पर बल। आवेशित चालक सतह पर अब बल बोल दे चाहे वैद्युत बल बोल दे, एक ही बात है, वैद्युत बल। आवेशित चालक सतह पर वैद्युत बल
इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर, ये टॉपिक है हमारा आज का। आवेशित चालक सतह पर वैद्युत बल निकालना है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल, वैद्युत बल वही है कूलाम के नियम वाला। तो आवेशित चालक सतह, अब हमें एक बात पता है कि जब भी हम चालक को आवेशित करेंगे तो आवेश कहां चल जाएगा उसकी सतह पर, एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो बिल्कुल सपोज करो मैंने ये कोई चालक मान लिया, ठीक है, कैसा भी मान सकते हैं, ये कोई मैंने चालक मान लिया और मैंने इसको चार्ज दे दिया। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी चालक को आवेशित करेंगे तो सारा का सारा जो आवेश है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, ठीक है, ये चालक का नेचर है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई इसकी सतह पर वैद्युत बल बताओ, यानी ये जो इसका सरफेस है, ये जो बाउंड्री है इसकी, इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा। तो इसको आप समझे पहले कि वैद्युत बल कैसे लगेगा। सपोज करो इस पूरे चालक सतह पर वैद्युत बल को निकालने के लिए मैंने इस पूरी सतह को छोटे छोटे किससे मिलकर बना मान लिया बच्चों, अल्पांशों से मिलकर बना मान लिया, क्योंकि आवेश का वितरण यह सममित होता है। तो इस पूरी सतह पर कुल वैद्युत बल निकालने के लिए मैंने इस पूरे चालक को ऐसे इसके बराबर क्षेत्रफल वाले अल्पांशों से मिलकर बना मान लिया। तो मैं क्या करूंगा, इस पर वैद्युत बल निकाल लूंगा, इस सतह पर मैंने अल्पांश लिया है, एक पर वैद्युत बल निकाल लूंगा और उसका क्या कर देंगे अपन, समाकलन कर देंगे पूरे चालक सतह के लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक अल्पांश ले लिया, सपोज करो ये अल्पांश मेरे पास है ए बी, ठीक है, ए बी को अल्पांश लिया है मैंने इस पूरी सतह पर, तो इस पर वैद्युत बल निकाले, इस पर क्या निकाले बच्चों, वैद्युत बल निकाले, तो वो अल्पांश पर आएगा, फिर उसका अपन समाकलन करके क्या कर लेंगे, पूरी सतह पर कुल वैद्युत बल की गणना कर लेंगे। अब आप तो मुझे ये बताओ कि सपोज करो कोई आवेश है क्यू, तो उस पर वैद्युत बल क्या होगा। आप कहोगे सर अगर वैद्युत बल की बात आप कर रहे हो तो विद्युत क्षेत्र भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र किसका, इसका, इसका बिल्कुल नहीं होगा, स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं है, स्वयं के क्षेत्र के कारण बल नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये क्यू आवेश ई विद्युत क्षेत्र में होगा तो कितना वैद्युत बल लगेगा, आप कहोगे सर क्यू ई, कितना लगेगा क्यू ई। अब सपोज करो मैंने माना इस ए बी पर आवेश, मैंने क्या मान लिया कि माना ए बी जो अल्पांश है, माना ए बी अल्पांश पर आवेश बच्चों मैंने मान लिया डी क्यू, क्या मान लिया डी क्यू अल्पांश पर आवेश। तो अब इस पर वैद्युत बल लगेगा, इस डी क्यू अल्पांश पर वैद्युत बल लगेगा किसके क्षेत्र के कारण, अब ये बचा हुआ जो आवेश है इसके क्षेत्र के कारण, यानी हम इस पर वैद्युत बल निकाल रहे हैं तो ये अब किसके विद्युत क्षेत्र में है, ये इस ए के अलावा, इस ए बी के अलावा जो पोर्शन बचा हुआ है, यानी शेष भाग जो बचा हुआ है, यानी ये वाला, इसको आप छोड़ दें, ये वाला जो भाग बचा हुआ है इसके कारण इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। तो हमें किसी गणना करनी पड़ेगी, सपोज करो इसको भी मैं कुछ नाम दे दूं, जैसे ये तो हो गया ए बी, तो ए बी वाले भाग पर ए, इसको सपोज करो मैंने सी बोल दिया, तो शेष भाग कौन सा हो गया, ए सी बी। माना ए बी अल्पांश पर आवेश कितना है, डी क्यू। तो देखिए आते हैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, अल्पांश ए बी पर, अल्पांश ए बी पर शेष भाग, कौन सा शेष भाग है, ए सी बी, शेष भाग ए सी बी के कारण
या मैं ऐसा बोल दूं एसीबी के विद्युत क्षेत्र के कारण, एसीबी के विद्युत क्षेत्र के कारण बच्चों क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल क्या होता है, आरोपित होता है। क्लियर है, ये बात समझने केस में कि भाई आप इस पर बल निकाल रहे हो तो इस पर आवेश कितना है, dQ मान लिया, ठीक है। और अब ये जो आवेश होगा वो किसके विद्युत क्षेत्र में होगा, इस एसीबी के विद्युत क्षेत्र में होगा, एसीबी के विद्युत क्षेत्र में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ हमें इस एसीबी का विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसीबी का विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, तभी वैद्युत बल आएगा। क्लियर है, देखिए अब मैं क्या करता हूं, हम को की तरफ से मान रहे हैं, देखो एक तो मैंने ये मान लिया कि माना पृष्ठ आवेश घनत्व, कितना है बच्चों सिग्मा, देखो कि इसका भी तो आवेश निकालना पड़ेगा, तो माना पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, अतः ये मैं खुद मान रहा हूं डीएस क्षेत्रफल, इस अल्पांश का मैं क्षेत्रफल क्या मान रहा हूं डीएस, अतः डीएस क्षेत्रफल वाले अल्पांश एबी पर आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है सिग्मा, तो इसके आवेश की हम गणना करें तो इसका क्षेत्रफल है डीएस, तो डीएस क्षेत्रफल वाले अल्पांश एबी पर आवेश कितना होगा, dQ बराबर आप कहोगे सर सिग्मा डीएस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलो इसका तो आवेश आ गया, अब हमें इस एसीबी का क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों इसको निकालने के लिए मैं दो पॉइंट मान रहा हूं, एक पॉइंट तो मैं मान रहा हूं बाहर मान रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया P1 पॉइंट, और एक पॉइंट मैं मान रहा हूं अंदर, इसको मैंने क्या बोल दिया P2 पॉइंट। इस एसीबी के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको निकालने के लिए हम यहां कुछ डिजाइन कर रहे हैं, दो पॉइंट, एक तो मैंने बाहर मान लिया P1 और दूसरा मैंने क्या मान लिया P2। अब मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि भाई एबी के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो मैं मानूंगा E1, और जो एसीबी भाग के कारण होगा वो मैं क्या मानूंगा E2, ये भी मैंने मान लिया, ठीक है। यानी हमें किसको निकालना है, E2 को निकालना है, हमें किसको निकालना है E2 को, क्योंकि हम बल किस पे निकाल रहे हैं, एबी पर बल निकाल रहे हैं, तो एबी वाला जो अल्पांश है वो किस विद्युत क्षेत्र में होगा, एसीबी के विद्युत क्षेत्र में होगा, यानी ई टू विद्युत क्षेत्र में होगा। क्लियर है, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, E2 की, ये ध्यान रखना हमें इसकी वैल्यू निकालनी है E2। तो मैंने एक पॉइंट माना P1 और एक पॉइंट मैंने क्या मान लिया P2। अब देखो, अब इस वाले पॉइंट P1 पर AB के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और ACB के कारण भी होगा, ऐसे P2 पर भी AB के कारण होगा और ACB के कारण भी होगा। तो चलो हम इसको माने कि भाई AB के कारण क्षेत्र कितना होगा, AB के कारण प्लस से दूर, इधर पॉइंट है ना प्लस से दूर, तो AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास E1, AB के कारण पॉइंट P1 पर विद्युत क्षेत्र क्या माना हुआ है E1, तो E1 की डायरेक्शन ऐसे होगी। ACB के कारण पॉइंट यहां पर है तो प्लस से दूर, तो ACB के कारण भी जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो भी यही होगा, इसको हमने क्या मान लिया E2, यानी इस पॉइंट P1 पर दोनों के कारण, AB के कारण भी और ACB के कारण भी, दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है। क्लियर, आप P2 पे आ जाओ, P2 वाले भाग पर आप देख रहे हो कि AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, मतलब ये इस साइड है हमारा अल्पांश और हमें इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो प्लस से दूर, तो ये हो गया E1 इसके कारण। क्लियर है ना, AB के कारण मैंने क्या माना है E1, तो इस AB वाले भाग के कारण प्लस से दूर, इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, अब इस पॉइंट P2 पर
एसीबी के कारण विद्युत क्षेत्र तो प्लस से दूर, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये पॉइंट पी टू था और ये पॉइंट क्या था पी वन। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ई टू की। अरे बात समझ में, ई वन किसके कारण है एबी भाग के कारण, एबी भाग ये रहा प्लस से दूर। ई टू किसके कारण है एसीबी के कारण, ये वाला भाग एसीबी है प्लस से दूर ई वन और ई टू। तो पी वन पॉइंट पर दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है और पी टू पॉइंट पर दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में है। अब देखो एक बात आप जानते हो, वी नो डैट हम क्या जानते हैं कि किसी भी चालक के कारण जो बाहर विद्युत क्षेत्र होता है, जो अपने बाप की चालक सतह चालक गोला उसके कारण बाहर पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है। वी नो डैट चालक की सतह के निकट, चालक की सतह के निकट जो विद्युत क्षेत्र होता है, चालक की सतह के निकट या भार वाले पॉइंट पर चालक की सतह के निकट जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता कि नहीं होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन नंबर इसको मैं मान लेता हूं टू। चालक की सतह के निकट, इस पूरे चालक की सतह के निकट विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यानी पी वन जो बाहर है उस पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं, देखो बिंदु पी वन के लिए अब पी वन पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा ई वन प्लस ई टू, क्योंकि दोनों समान दिशा में है, तो बिंदु P1 के लिए EP1 बराबर क्या हो जाएगा, EP1 का मतलब P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो दोनों समान दिशा में है तो E1 प्लस E2, EP1 का मतलब क्या हो गया E1 प्लस E2। और हमें पता है कि बिंदु P1 बाहर है तो विद्युत क्षेत्र टोटल कितना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड, क्लियर है। पी वन पॉइंट कहां पर है, पी वन वाला पॉइंट बाहर है, ठीक है, तो बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई वन प्लस ई टू की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाओ आप पी टू वाले पॉइंट पर आ जाओ, अब हम P2 की बात करें। P2 जो पॉइंट है वो चालक के अंदर है और अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है जीरो। देखो चूंकि P2 चालक के अंदर है, चालक एक ऐसा है अंदर, तो चालक के अंदर कहीं भी विद्युत क्षेत्र का मान होता है जीरो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई E P2 बराबर क्या आ जाएगा जीरो। भाई P2 पॉइंट अंदर है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया जीरो। तो अब इसे देखें, P2 पॉइंट पर E1 और E2 विपरीत दिशा में है तो E P2 बराबर क्या आएगा E1 माइनस E2 बराबर जीरो, दोनों विपरीत दिशा में तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा E1 माइनस E2। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है E1 is equal to E2। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई फोर। तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर तीन और समीकरण नंबर चार से E1 E2 में दो इक्वेशन हमारे पास है तो हमें किसका मान मिल जाएगा E2 का, ठीक है। तो देखो समीकरण तीन से यदि मैं E1 बराबर क्या रख दूंगा E2, क्योंकि तो मुझे वैल्यू किससे निकालनी है E2 की, तो समीकरण तीन से मैं मान रख रहा हूं तो E1 की जगह रख दिया E2 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो E2 प्लस E2 कितना हो गया 2E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो यहां से जो E2 की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 5। E2 बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 को नीचे लिया है। तो इसका मतलब हमने निकाल लिया कि हमारा जो ए बी अल्पांश है जिस पर आवेश कितना है डी क्यू, वो कितने विद्युत क्षेत्र में, ई टू विद्युत क्षेत्र में। तो अब इस पर बल निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है सतह पर वैद्युत बल। मैं अल्पांश की बात कर रहा हूं तो इस अल्पांश ए बी पर वैद्युत बल कितना होगा, क्यू इंटू ई यानी डी क्यू इंटू ई टू, ठीक है। क्योंकि अब आवेश तो है ही हमारे पास, अब हमें यह भी पता लग गया कि ये जो डी क्यू आवेश है वो ई टू विद्युत क्षेत्र में, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा इस पे? देखो आते हैं, अल्पांश आते हैं अल्पांश ए बी पर वैद्युत बल, अल्पांश ए बी पर वैद्युत बल, तो चूंकि अल्पांश है तो मैं क्या मान रहा हूं डी एफ, तो वैद्युत बल होता है क्यू इंटू ई, तो आवेश हमारे पास क्या है डी क्यू, और विद्युत क्षेत्र क्या है भाई ई टू। एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, हमारा आवेश कितना है डी क्यू, कितने विद्युत क्षेत्र में ई टू विद्युत क्षेत्र में, तो कितना वैद्युत बल लगेगा डी क्यू इंटू ई टू। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू एंड ई टू, तो मान रखें तो भाई डी एफ इज इक्वल टू डी एस की वैल्यू, सॉरी डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा डी एस, और ई टू क्या हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास है सिग्मा डी एस और ई टू हमारे पास है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया वैद्युत बल किस पर, अल्पांश पर। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं अल्पांश में वैद्युत बल डी एफ सिग्मा, इसे हम थोड़ा सॉल्व करें आगे। देखो डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सिग्मा कितना हो गया सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच गया डी एस। तो भाई इतना वैद्युत बल लग रहा है अल्पांश पर, ठीक है, अल्पांश ए बी पर वैद्युत बल है डी एफ, अगर पूरे की बात करें तो इसका क्या कर दे समाकलन कर दे, इक्वेशन नंबर 6। देखो आते हैं, ये तो अल्पांश में हो गया तो इतना ही बल सभी पे लगेगा, क्योंकि देखो सिग्मा नियत है, दो नियत है, एप्सिलॉन नॉट नियत है, अगर सभी अल्पांशों का क्षेत्रफल डी एस जो कि हमने समान माना है पूरे चालक की सतह को डी एस डी एस डी एस डी एस से मिलकर बना मान ले, तो एक पर निकाल दिया, अब इसका क्या कर दो समाकलन कर दो, किसके सापेक्ष क्षेत्रफल के सापेक्ष। अतः कुल वैद्युत बल कुल वैद्युत बल तो कितना हो जाएगा भाई कि F इज इक्वल टू समाकलन क्या कर दे DF DF प्लस DF प्लस DF, तो इसका मान रख दे हम तो F इज इक्वल टू समाकलन DF की वैल्यू रखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये DS, ठीक है बच्चों, और ये कैसा समाकलन है क्षेत्रफल समाकलन, इक्वेशन नंबर 7। तो इतना चालक की सतह पर कुल वैद्युत बल लगता है F इज इक्वल टू समाकलन S सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में DS, क्लियर है। DS क्षेत्रफल पर DF बल लग रहा है, तो यहां से हम देखो दाब भी पूछ लेते हैं कि फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि सब समान प्रकृति के आवेश हैं, तो कितना प्रेशर लगेगा, प्रेशर भी पूछ सकते हैं आपसे यहां पर। देखो समीकरण 6 से, समीकरण 6 से अगर अपन वैद्युत दाब की बात करें, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं इसको,
जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था वो मैकेनिकल प्रेशर होता है कि बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, वो यांत्रिक दाब है। यहां जो वैद्युत बल के कारण दाब लगता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत दाब बोलते हैं। तो वैद्युत दाब यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर, पी कितना होगा, एकांक क्षेत्रफल पर बल, डीएफ अपॉन डीएस। तो डीएफ अपॉन डीएस का मान क्या आ जाएगा समीकरण 6 से, ये पी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 8। ये भी आपको ध्यान रखना है, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है वैद्युत दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो वैद्युत दाब का फॉर्मूला आ गया, और फोर्स कितना लगता है जिसमें क्षेत्रफल पर आपको निकालना है, तो उसे इस दाब से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, प्रेशर। क्लियर है? तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे, एक बार दोबारा देख लो। इस पूरी चालक सतह पर कुल वैद्युत बल निकालने के लिए हमने एक अल्पांश मान लिया कि आप तो इसमें बल निकालो। अब हमें पता है भाई इस पर हमें बल निकालना है, तो बल तो होता है क्यू इंटू ई, बल क्या होता है हमारे पास, क्यू इंटू ई। तो इसका आवेश, आवेश क्या हो गया, डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, डीएस क्या हो गया इसका, क्षेत्रफल। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है, तो डीएस क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो गया, सिग्मा डीएस। तो इसका आवेश हमें मिल गया। अब हमें यह मालूम करना है कि ये जो हमारा आवेश अल्पांश है कितने विद्युत क्षेत्र में, अब विद्युत क्षेत्र किसका होगा, इस पर तो बल आप निकाल रहे हो, तो इसके अलावा जो ये शेष पोर्शन बचा हुआ है इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो उसके लिए हमने माना कि ए बी का विद्युत क्षेत्र तो E1 है और ए सी बी का विद्युत क्षेत्र कितना है, E2। क्लियर है? तो बच्चों उस E2 का मान निकालने के लिए मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैंने बाहर ले लिया चालक के बाहर P1, और एक पॉइंट मैंने लिया P2। P1 पर ए बी के कारण ऐसे होगा, ए सी बी के कारण ऐसे होगा विद्युत क्षेत्र समान दिशा में, तो P1 पर विद्युत क्षेत्र जुड़ गया। अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों करा, क्योंकि चालक सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल वही KQ अपॉन R2। एक इक्वेशन ये आ गई। अब हमने एक पॉइंट अंदर जो माना है, हमें पता है अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो। EP2 का मतलब है P2 पर विद्युत क्षेत्र, उसका मान जीरो। तो EP2 क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में है, यानी E1 माइनस E2, उसका मान क्या हो गया, जीरो। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, E2। क्लियर? तो E1 E2 समीकरण 4, और E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 3 और 4 से हमने हल करा, तो हमें इस ACB का जो विद्युत क्षेत्र निकालना था वो कितना मिल गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इतने विद्युत क्षेत्र में ये आवेश है, तो भाई कितना बल लगेगा, बल होता है क्यू इंटू ई। जिस भी आवेश पर आप बल निकाल रहे हो तो उसका तो आवेश लेंगे, और वो कितने विद्युत क्षेत्र में इसको लेना पड़ता है, वो अपन पहले वीडियो से पढ़ चुके हैं। तो उन दोनों का मान रखा, तो बल कितना आ गया, डीएफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीएस। और ये अल्पांश बल था, तो पूरी सतह पर बल निकालने के लिए समीकरण नंबर 6 का हम क्षेत्रफल के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो ये हमें मिल गया टोटल फोर्स अप्लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, कोई भी वस्तु हो। वैद्युत दाब भी आपसे पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर, दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर बल, यह बल वैद्युत बल है, तो डीएफ अपॉन डीएस, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नेक्स्ट, और देखो बच्चों वही बात है आपके सामने, पढ़ना है। क्लियर?
अब ऐसे मत सोचना भाई स्कूल खोलेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो जो समझदार बच्चा है वो बिल्कुल साथ साथ पढ़ रहा है, साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने आप को अभी माना ही नहीं हो, ट्वेल्थ क्लास में आ गए, तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट कर दिया है, तो आप इलेवंथ से सीधे ट्वेल्थ में आ चुके हो, तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि तो आपका दूसरा चैप्टर भी अब खत्म होने वाला है। क्लियर है ना? अब क्लास में तो आप पढ़ लेते हो, तो टीचर क्लास में होता है जब, अब हमें क्या पता पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। तो हम कह ही सकते हैं आपसे कि जो भी आपका टॉपिक होता है उसको पढ़े ढंग से समझे और हाथ साथ साथ उसको लिखे भी अपने पेयर नोट्स में। क्लियर है? तो चलो एक छोटा सा टॉपिक, एक सेकेंड लास्ट टॉपिक सेकेंड चैप्टर का, उसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ये भी तो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र के, अब विद्युत बोल दो चाहे वैद्युत बोल दो, वैद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो एनर्जी हमें निकालनी है एकांक आयतन में ऊर्जा। क्लियर? विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होता है सरकारी कार्य, ऊर्जा का तो रूप है, ऊर्जा क्या होता है? कार्य। एकांक आयतन में ऊर्जा का मतलब तो ऊर्जा बटा आयतन, ठीक है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। समझ रहे हो? ऊर्जा का मतलब होता है कार्य, और कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, एफ डॉट डी एक्स। बच्चों बल क्या होता है? अगर मैं दाब के रूप में पूछूं तो बल क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल क्या हो गया? दाब इंटू क्षेत्रफल, इंटू विस्थापन। ठीक है, बल का मतलब हो गया दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। और बच्चों मुझे बताओ ये क्षेत्रफल इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इंटू विस्थापन यानी क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर, विस्थापन हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बन गया मीटर क्यूब यानी आयतन, तो दाब इंटू आयतन। क्लियर है? ऊर्जा का मतलब होता है कार्य, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल होता है दाब इंटू क्षेत्रफल, क्योंकि फोर्स क्या होता है? पी इंटू ए, पी बराबर हो गया एफ अपॉन ए, तो एफ क्या हो गया? पी इंटू ए। अब देखो क्षेत्रफल इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा? आयतन, दाब इंटू आयतन। तो हमने क्या करा कि हमने निकाल लिया कि सर ऊर्जा का मतलब हो गया दाब इंटू आयतन, तो हमें तो ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो किसके बराबर आता है? दाब के बराबर आता है। विद्युत क्षेत्र में है, विद्युत क्षेत्र में तो वैद्युत दाब होगा, तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा वैद्युत दाब के बराबर होती है।
एकांक आयतन में ऊर्जा क्या मिल गया इससे हमें कि भाई विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर। एकांक आयतन में ऊर्जा किसके बराबर होती है? विद्युत दाब के। और वो तो आप निकाल ही चुके हो, अभी लास्ट टॉपिक में हमने विद्युत दाब निकाला है। और बिल्कुल आपको ध्यान भी होगा कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये लो भाई, ये टॉपिक तो ऐसे ही हो गया। एकांक आयतन में ऊर्जा मतलब विद्युत दाब, और ये किसके बराबर? सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो देखो इससे अपन इसको कैसे ड्राइव करें, ये तो एक हमारा रफ आइडिया था। देखो सपोज करो मैंने कोई गोला मान लिया, क्या मान लिया बच्चों? गोला। रंग नहीं रहा गोला, दोबारा बनाएंगे इस गोले को। अब लग रहा है ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास गोला है और इसकी जो रेडियस है ये जो गोला मैंने माना है इसकी त्रिज्या मैंने मान ली स्मॉल आर। क्या मान ली? स्मॉल आर। और माने इसको मैंने चार्ज दिया हुआ है, क्यू आवेश दिया हुआ है ठीक है भाई, कितना आवेश दिया हुआ है? क्यू। अब मान लो इसके प्रश्न में मुझे आवेश को बढ़ाना है, इसके प्रश्न पर मुझे किसको बढ़ाना है? आवेश को बढ़ाना है। अब आपको पता है कि जैसे हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज इसकी सतह पर आ गया, अब इनके मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो इस गोले को आवेशित करने में, इसे और अतिरिक्त आवेश देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। देखो आवेशित, हमने इसको चार्ज दे दिया, अब मैं इसे अतिरिक्त आवेश और दे रहा हूं, अतिरिक्त आवेशित लिख रहा हूं यहां पर, एक्स्ट्रा चार्ज। अतिरिक्त आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल होगा, इस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य मैं जब आप इस गोले को किसी चालक वस्तु को आप आवेशित कर रहे हो, यहां पर आवेश पृष्ठ पे आ गया, तो हमें आवेशित करने में कार्य भी तो करना पड़ेगा, बिजली का बिल भी तो आएगा, तो कार्य करना पड़ता है। तो यही कार्य विद्युत क्षेत्र में, यही कार्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ऊर्जा के रूप में यही कार्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ऊर्जा के रूप में बच्चों क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। संचित हो जाता है ठीक है। तो इसे अपन आवेशित कर रहे हैं, सिग्मा बढ़ा रहे हैं। आप देखिए समझिए इस बात को, सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन ए। मान लो गोले की बात कर रहे हो तो क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। तो मैं सिग्मा को बढ़ा रहा हूं यानी आवेश को बढ़ा रहा हूं, सिग्मा बढ़ा रहे तो आर क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई मान लो क्यू हमारे पास आवेश दे रहे हैं अपन, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूं तो क्यू बढ़ेगा तो आर क्या होगा? कम, क्योंकि सिग्मा तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सॉरी, सिग्मा का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। अरे ये तो कॉन्स्टेंट है भाई, फोर पाई तो कॉन्स्टेंट है, तो
तो अभी सिग्मा जो है वो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश है, अगर आप क्यू बढ़ाओगे तो आर क्या हो जाएगा, कम, उतनी अनुपात में क्या हो जाता है, कम, ताकि क्यू अपॉन आर स्क्वायर का मान हमेशा क्या रहे, नियत। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आवेशित जब आप करोगे तो इस गोले का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कम। सिग्मा कॉन्स्टेंट होता है, क्यू बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे तो भाई आर क्या हो जाएगा, कम, यानी गोला क्या हो जाएगा, संपीड़ित हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, संपीड़ित। तो हुआ क्या, गोले का तो आयतन कम हुआ, क्षेत्रफल कम हुआ, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि हुई, विद्युत क्षेत्र बढ़ा। तो जैसे हमने इसको कार्य अनावेशित करा तो क्या हो जाता है, गोला संपीड़ित। देखो आवेशित करने पर सिग्मा तो क्या रहेगा, नियत, ये समझने के लिए सिग्मा नियत है, क्यू बढ़ेगा और आर क्या हो जाएगा, कम, त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम, यानी हमारा जो गोला है वो संपीड़ित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपीड़ित, यानी अब ये वाला गोला बन गया ये, ठीक है। तो टोटल है आर, ये मैं मान लेता हूं आर माइनस डी आर, यानी हमने ये वाला जो भाग है ये वाला इतना संपीड़न कर दिया, ये भाग कितना है, डी आर, क्लियर है, समझ रहे हो। इसको आवेशित जब आप करोगे तो क्या होगा, गोला क्या हो जाएगा, संपीड़ित। तो भाई हमें कितना कार्य करना पड़ता है उसकी बात करें, देखिए ये बात समझ में आ गई आपको, तो भाई हमें क्या निकालना है, कार्य dW, कार्य क्या होता है, बल F, फोर्स कितना लग रहा है F, और विस्थापन कितना हुआ dr, विस्थापन कितना हुआ dr, तो dW is equal to फोर्स क्या होता है F, हमें पता है कि भाई दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, F upon S, बल बटा क्षेत्रफल, अपन किसी अल्पांश की बात करें तो df upon ds, तो यहां मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो P into ds, तो क्या हो जाएगा, बल का मतलब कि दाब यानी P और क्षेत्रफल यानी क्या A, अगर मैं पूरे गोले की बात करूं, दाब यानी क्या हो जाएगा P, प्रेशर, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A, क्लियर है। तो मैं टोटल कार्य की बात कर देते हैं इसको इस तरह, ठीक है, पूरे गोले की बात कर रहे हैं, P into A, ये क्या आ जाएगा dr, इतना विस्थापन दिया आपने, तो dw is equal to, अब बताओ भाई P का मतलब क्या होता है, पता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दाब होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई r स्क्वायर, ये क्या हो गया dr, ये क्या हो गया dr, क्लियर है, और अल्पांश लेके चले तो समाधान हटा भी सकते हो, क्लियर है ना। प्रेशर हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इतना प्रेशर लगता है, ठीक है, ये हो गया गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया डीआर, यानी हमें कितना कार्य करना पड़ा, अब ये 4 पाई आर स्क्वायर डीआर क्या होता है, आयतन होता है, क्या होता है बच्चों, आयतन, क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो गया डीवी, ठीक है। तो ये जो किया गया कार्य है यही किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में, विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी, समझ पा रहे हो, कार्य का मतलब होता है एफ इंटू डीआर, क्लियर है, यानी हमें इस गोले को संपीड़ित करने में या गोले को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ा, वो होता है फोर्स इंटू डीआर, डीआर क्या हो गया विस्थापन, बल का मतलब होता है दाब इंटू क्षेत्रफल, प्रेशर इंटू एरिया, दाब क्या होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, और डीआर डीआर लिख दिया, अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर डीआर है ये किसके बराबर होगा, आयतन के, डीवी, तो ये
एकांक आयतन में भी ऊर्जा निकाल सकते हैं डी यू अपॉन डी वी करके। क्लियर है? आते हैं एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा। एकांक आयतन में संचित वैद्युत ऊर्जा, इसे मैं स्मॉल यू बोल दूं तो डी यू अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? डी वी। और ये स्मॉल यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो एकांक आयतन में ऊर्जा होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? कई बार इसको एक दूसरे फॉर्म में और पूछ लेते हैं, वो भी आप ध्यान रखें। देखो चूंकि E is equal to क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बच्चों सिग्मा कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू E। क्लियर है? अब सिग्मा के मान को यहां रख दो। देखो समीकरण एक से एकांक आयतन में ऊर्जा U is equal to सिग्मा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और E स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट से ये वाला एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया? एकांक आयतन में ऊर्जा स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होती है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा और इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आगे बात? तो इस तरह अपन ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपका केवल एक टॉपिक और बचा है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।